हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजी। सो गाइस, कैसा चल रहा है, स्टडी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है? सो आज का जो टॉपिक आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मुझे बता दो कि क्या मैं आज कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ? जस्ट गेस। देखो, एक बात बता रहा हूँ, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो दुनिया का मतलब इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो जो बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुन लो। ओके, आज मतलब इतना पूरे उसी के बारे में आज मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जो कि पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड क्या हो चुका है, तो फैल चुका है। सो आपको अभी तो गेस आया होगा कि मैं किसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, राइट? सो आज हम बात करने वाले हैं कि गाइज, जो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, याद रखना, इतना मतलब इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड फैला हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली 2020 का जो ये आपका नीट एग्जाम है, उसमें मैं बोलता हूँ एक तो सिंगल क्वेश्चन तो बनता ही है यार। सो बोलो मुझे कि कौन सा टॉपिक हो सकता है। सो गाइज, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दे देना, जो टॉपिक का नाम बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है उसका, याद रखना। बोलो क्या नाम हो सकता है, जस्ट गेस। यस गाइज, यस, हाउ द जॉस, चलो बोलो फटाफट फटाफट। यस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है, मतलब पूरा वर्ड उससे भयभीत हो चुका है, ऐसा टॉपिक लेके आ जाओ आ गया हूँ। सो आज जो बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दे देना कौन सा है, जस्ट ओके ओके, प्लीज फोकस पूरा पूरा। सो क्या है, तो डिस्कवरी ऑफ द कोरोना, कोरोना का सबसे पहले कोरोना कहाँ पे आइडेंटिफाइड हुआ है उसी के बारे में बात करूंगा, साथ में वो कहाँ पे मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में क्या करूंगा, तो मैं आज बात करूंगा। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द ओके, सबसे ज्यादा फेमस जो टॉपिक आता है आपका कौन सा है, यस कोरोना की बात कर रहे हैं। सो देखते हैं कोरोना क्या कहता है आज आपको। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओके, सो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आता है आपका, बात ध्यान दे देना क्या बात है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन आपका जो आज का टॉपिक आता है वो आता है डिस्कवरी ऑफ द कोरोना वायरसेस। ओके, सो कोरोना वायरस जो होता है उसका डिस्कवरी कहां पे होता है उसी के बारे में हम क्या करने वाले, तो बात करने। सो गाइज, पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, एक बात याद रखना, सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है सारे के सारे। कोरोना के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, कोरोना मतलब क्या पूछ सकता है, ऐसी सारे मतलब सारी चीजों के बारे में क्या हो चुका है, तो आज का लेक्चर मैंने क्या है तो बनाया। सो सब लोग अच्छे से जाकर देख लेना कि डिस्कवरी ऑफ द कोरोना वायरस कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज आपको इस लेक्चर में मिलेगा। सो याद रखे, कोरोना वायरसेस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, याद रखे क्या बोला मैंने, कोरोना वायरसेस जो होता है आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड कहां हो चुका है, सो ध्यान दे देना कहां हो चुका है। ओके, सो फर्स्ट डिस्कवर्ड, सो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं कि जो क्या है, तो डिस्कवरी ऑफ द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का डिस्कवरी कहां पे होता है, सबसे पहले दुनिया में कब पाया गया, कहां पाया गया, सबके बारे में क्या करूंगा, तो मैं बात करूंगा। सो ध्यान दे देना क्या, द कोरोना वायरसेस वी आर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दी ओके लेट 1960, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लगा तो लिख के लो इसे। 1960 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ये डिस्कवर्ड हुआ था, द अर्लियस्ट वन डिस्कवर्ड वेयर एन इंफेक्शन ब्रोंकाइटिस वायरसेस इन अ चिकन एंड टू ह्यूमन पेशेंट। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सबसे पहले ये जो डिस्कवर्ड हुआ है कब, 1960 में डिस्कवर्ड हुआ है, और इसके वजह से क्या होता है, एन इंफेक्शन ब्रोंकाइटिस वायरसेस। सो इसको नाम क्या दिया गया था, एन इंफेक्टियस ब्रोंकाइटिस वायरसेस बोला गया। सबसे पहले यह कहां पाया गया था, चिकन में पाया गया था, और साथ चिकन मतलब पता है ना, ओके, कोंबड़ी, यस। सो ये चिकन में पाया गया था और टू ह्यूमन पेशेंट में पाया गया था। सो याद रखना, दो जो ह्यूमन पेशेंट है उसके अंदर क्या गया, तो ये पाया गया विद अ कॉमन कोल्ड, याद रखना, सबसे पहले वो दो चिकन और दो ह्यूमन पेशेंट में पाया गया। सो किसके फॉर्म में, सो विद द कॉमन कोल्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन कोल्ड मतलब आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि इंफेक्टियस ब्रोंकाइटिस वायरस बोला जाता है, मतलब ये क्या है, तो कॉमन कोल्ड के फॉर्म में वो फर्स्ट टाइम उसे मिला। अगेन क्या हुआ है, लेटर नेम्ड ह्यूमन कोरोना वायरसेस या कोरोना वायरस। सो बाद में उसको नाम दिया गया ह्यूमन कोरोना वायरस। सो नेक्स्ट वन पॉइंट, कोरोना वायरस क्या है, तो 229E आता है। सो याद रखना क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, चिकन और टू ह्यूमन क्या है, तो टू ह्यूमन पेशेंट में यह पाया गया, और इसको जो नाम दिया कोरोना वायरस
229E नाम दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो अगर आपको लिए, मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्या करता हूं मैं, ये जो पीडीएफ है आपको लिंक में, मतलब जो अपने ये जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके अंदर क्या है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ डाल देता हूँ, और ये जो आपका पीडीएफ है वहां पे आपको मिलेगा। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी के सारे। बाद में क्या हो गया, इसी को नाम दिया गया कोरोना वायरस 229E एंड द ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, याद रखना। और याद रखे, बाद में इसको क्या कहा गया, तो कोरोना वायरस 229E एंड इन केस ऑफ द ह्यूमन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के केस में उसको नाम दिया गया कोरोना वायरस OC43, याद रखना OC43। आपके आगे की कहानी देखिए, ओके, क्या था आगे की कहानी, अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हैव द सिंस been identified, याद रखना, क्या बोला है, other members of this family since be identified including the SARS-CoV, okay, coronaviruses, SARS-CoV, coronaviruses in 2003, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बोला other member of this family, कोरोना वायरस जो है इस फैमिली के, नेक्स्ट वन आपको जो मिला, कब मिला, SARS के ना फॉर्म में मिला, कौन सा, SARS के फॉर्म में, SARS कोरोना वायरस इन 2003 में मिला। बाद में HCO कोरोना वायरस CNL63 कब मिला, 2004 में मिला। उसके बाद में HKU1 इन 2005, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2005 MERS MERS कोरोना वायरस कब मिला, 2012 एंड SARS COVID-2, क्या बोल रहा है, मैंने ध्यान दे देना, SARS कोरोना वायरस 2, ओके, फॉर्म अर्लियर नोन एज अ, याद रखने का क्या बोला है, जो हम सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, 2090 की बात चल रही है, याद रखना 2090, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, तो इन्फेक्टियस जो लोग मिले आपको वर्ल्ड वाइड, जो फैला जा रहा है, उस वायरस की बात कर रहा हूं मैं, क्या, याद रखना SARS-CoV-2 formerly known as 2019 coronaviruses in 2019, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ दिस हैव इन्वॉल्व सीरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो सीरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या हो रहा है, तो हो रहा है। सो ध्यान दे देना, अभी चालू होता है एक्चुअल में कोरोना का, मतलब कोरोना दिखने में कैसा होता है, क्या होता है, ओके, उसके बारे में क्या है, तो डिटेल स्टडी। सो ध्यान दे देना, क्या बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट वन देख लो, कितना प्यारा सा मिलता है, पूरी दुनिया को क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया, गुमराह कर दिया, नहीं गुमराह नहीं कर दिया, क्या कर दिया है, परेशान कर दिया है। सो देख लेना इसको, देख लो, वही वाला है क्या, जिसका नाम से तो लोग क्या है, तो आज भी कांपते हैं, जिसका नाम है क्या, ओके, नाम बताए ना, क्या नाम है उसका, यस, कोरोना वायरस है। सो दिखने में ये कितना मासूम लगता है, नहीं लगता है कि क्या है, तो इतना डेंजर हो सकता है, ठीक है। सो ध्यान दे देना, ये अगर आपको स्ट्रक्चर मिला है तो कैसा मिला है, इलस्ट्रेशन ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ कोरोना वायरसेस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मॉर्फोलॉजी दिखाई दे रहा है, और ये आपको कैसे दिखाई देता है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये दिखता है आपको, क्लब सेफ वायरल स्पाइक मिलते हैं, याद रखना, यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर मिलने जा रहा है, ओके, ये उसके क्या है, तो स्पाइक है। सो उसने बोला है कि कोरोना वायरस इन कैसे फॉर्म में मिलता है, क्लब सेफ फॉर्म में मिलता है, क्लब सेफ में मतलब इसका बंडल फॉर्म में मिल रहा है, और कैसा मिल रहा है, तो वायरल स्पाइक, इसके ऊपर क्या होते, तो आपको ये वायरल स्पाइक मिल रहे हैं, और ये जो स्पाइक होते हैं वायरल, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका पेप्लोमियर्स, क्या नाम है उसका, पेप्लोमियर्स। तो ये जो दिखता है क्लब सेफ होता है, वायरल स्पाइक होते हैं, और पेप्लोमर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि पेप्लोमर्स किससे बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है, इसके जो स्पाइक मिलते हैं आपको, ये स्पाइक किससे बनते हैं, सो नाम है इसका पेप्लोमर्स, ओके, पेप्लोमर्स से क्या होता है, तो ये जो स्पाइक होते हैं वो पेप्लोमर्स होते हैं, स्पाइक पेप्लोमर्स। कलर इसका कैसा होता है, रेड कलर का होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछा गया कोरोना वायरस का कलर कौन सा है, तो रेड कलर। क्रिएट द लुक ऑफ कोरोना सराउंडिंग द वायरन व्हेन ऑब्जर्व विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो याद रखना, ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या है, तो आपको ये इस तरह दिखता है, बहुत प्यारा सा मासूम है, जिसको हम क्या है, तो आज इतना फेमस हो चुका है। ये जो है उसका मॉर्फोलॉजी है, क्लब सेप दिखता है, और उसके ऊपर जो क्या है, तो ये वायरल स्पाइक जो होते हैं, जो स्पाइक है उसको हम कहते हैं पेप्लोमर्स कहते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ओके सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना क्या बोला है मैंने. ओके कौन सी बात कर रहा है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस. ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है कोरोना वायरस का, सो ध्यान दे दो क्या बोला है मैंने, क्लासिफिकेशन जो हमें जा रहा है तो क्लासिफिकेशन में आपको क्या मिलता है. ओके कहां से है ये, कहां पे, मतलब इसका क्लासिफिकेशन कौन से इसमें आता है, सो सारी चीजें हम यहां पे देखेंगे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में पहला वाला कौन सा वायरस सबसे ज्यादा कौन सा, तो हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में. सो इसका क्लासिफिकेशन आता है, एक बात याद रखना, रियल में कहते हैं उसको या किंगडम कहते हैं. सो इसका जो किंगडम होता है वो कौन से किंगडम का होता है, सो याद रखना इसका किंगडम जो होता है राइबोविरिया. कौन सा किंगडम है इसका, राइबोविरिया. फाइलम क्या है इसका, क्या फाइलम है इसका, इंसर्टिसेडीज. कौन सा फाइलम है इसका, इंसर्टिसेडीज नाम का क्या है तो इसका फाइलम है. सो ध्यान दे देना, इसका जो किंगडम आता है राइबोविरिया आता है, फाइलम जो आता है इसका इंसर्टिया, हाँ इंसर्टिया सीरीज आता है. और एक बात लास्ट, कौन सा ऑर्डर जो आता है इसका, ऑर्डर कौन सा आता है, तो ऑर्डर आता है निडोवायरली. क्या आता है फटाफट बोलो, क्या ऑर्डर है इसका, यस ऑर्डर क्या है इसका, निडोवायरली. क्या है तो निडोवायरलीज, क्या है फिर से बोलो, निडोवायरलीज, यस कंफर्म. ये क्या है तो निडोवायरलीज, क्या है तो ऑर्डर में आता है. चलो इसका फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली कौन सा है देखो फटाफट, कोरोना वायरस का जो फैमिली आता है कौन सा फैमिली है, कोरोना क्या है तो कोरोनोवायरिडी आता है. कौन सा फैमिली आता है इसका, कोरोनोवायरिडी. बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फैमिली से ये जो वायरस है बिलोंग करता है, तो नाम है उसका कोरोनोवायरिडी फैमिली, जिससे क्या है तो ये बिलोंग करता है. चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट के बारे में, इसका सब फैमिली कौन सा होता है, तो सब फैमिली इसका कौन सा, ऑर्थोकोरोनोवायरिनी. कौन सा है तो ऑर्थोकोरोनोवायरिनी, याद रखना फैमिली कोरोनोवायरिडी. फैमिली कौन सा है, कोरोना वायरिडी. और सब फैमिली कौन सा है, ऑर्थो कोरोनोवायरिनी. कौन सा है, ऑर्थो कोरोनोवायरिनी. सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोरोना वायरसेस, किंगडम राइबोवायरी, फाइलम इंसर्टिसेडिस, ऑर्डर निडोवायरलिस, फैमिली कोरोनोवायरिडी. ओके और सब क्या, सब फैमिली ऑर्थो कोरोनोवायरिनेलीज. ओके सो ये क्या है तो उसका फैमिली आता है. ये पूरा के पूरा जो है उसका क्या है तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कोरोना वायरस. ठीक है, ये पूरा के पूरा क्लासिफिकेशन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो सारी चीजें याद रखना, लगा तो लिख के लेना या कोई लिखने की भी जरूरत नहीं, ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको जरूर सेंड करूंगा. सो क्या करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको क्या करना है तो आपको डाउनलोड करना है. ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है इसके बाद में, इसका नाम जो है कोरोना नाम, हम हमारे पता है ना क्या, हमारे यहाँ पे नाम देते हम, जैसे कि क्या है तो कोई बच्चा बॉर्न हो गया है ना, तो बच्चा बॉर्न होने के बाद में हम क्या करते हैं तो उसका नामकरण करते हैं. सो भैया देखते हैं कि नाम जो होता है हमारा, किसी का भी नाम जो हम रखते हैं तो किसी स्पेसिफिकेशन के ऊपर रखते हैं, उसके नाम में कुछ क्या है तो कुछ ना कुछ तो जादू होता ही है 100%. सो क्या इसका नाम कोरोना क्यों रखा है, कोरोना नाम क्यों रखा है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, सो देखना मत भूलिएगा. देखो पूरा के पूरा अटेंशन, क्या क्या बता रहा हूं, द नेम कोरोना वायरस इज डिराइव फ्रॉम द कोरोना, लैटिन वर्ड है कोरोना. क्या बोला है, द नेम कोरोना वायरस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन कोरोना, मीनिंग क्या होता है, क्राउन. याद रखे बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैसा दिखता है, क्राउन और विड बोल सकते हैं. इटसेल्फ अ क्या है तो बोरोइंग फ्रॉम द ग्रीक, क्या है तो ग्रीक वर्ड आता है कोरोना, इसको हम बोलते हैं कॉफी एंड कोरोनी बोलते हैं. सो याद रखना गार्लैंड और वीर्स भी कहा जाता है उसका, क्या मतलब होता है गार्लैंड और वीर. द नेम रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपीयरेंस ऑफ द वायरन, वायरन का जो अपीयरेंस होता है उसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है. द इन्फेक्टाइल लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है, या अदर पॉसिबल कॉजेस में अगर बता देते हो, प्रीडोमिनेंटली क्या है तो जैसा कि रिनो वायरस का होता है, प्रीडोमिनेंटली लाइक दिस हो सकता है या उससे सीरियस भी हो सकता है. एंड अदर दैट कैन लिथल सच एज अ सार्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूस M-E-R-S एंड कोविड क्या है तो 19 जो आपको अभी जो चल रहा है वो आपको तीन जो है इसके मेजर टाइप्स आता है. सो हम बात करेंगे तीनों के तीनों बारे में. सो सार्स क्या होता है, मेयर्स क्या होता है और कोविड 19 क्या होता है, ये तीनों के बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या करने वाले तो देखने वाले. तो सार्स का मतलब क्या है, सार्स क्या होता है, सार्स कब आ गया, कहां पे आइडेंटिफाइड हुआ है, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पहला वाला, फर्स्ट वन कौन सा, फर्स्ट ये जो आता है, फर्स्ट आता है, सेकंड और थर्ड में हम बात करने वाले कोविड 19 की जो अभी पूरी दुनिया में फैल रहा है. सो पहला पॉइंट आता है क्या है तो सार्स का मतलब क्या होता है, याद रखना सार्स मैंने बताया, क्या बताया, यस सार्स.
तो सांस का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। क्या बोलता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या बोला है? फिर से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म आता है सार्स। याद रखना, तो सार्स क्या है? सार्स इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज है। क्या है तो? सार्स क्या है तो? इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज ऑफ जोनोटिक ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है उसका? जोनोटिक, कॉज बाय द सार्स कोरोना वायरस। याद रखना कैसा है तो? दीज आर द जोनोटिक ओरिजिन होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो सार्स जो होता है, आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, सार्स जो है वो कौन सा ओरिजिन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसा, जोनोटिक ओरिजिन होता है। और दूसरी बात, ओके, ये किस मतलब इसकी वजह से क्या होता है? तो सार्स कोरोना वायरस होता है। क्या होता है? सार्स कोरोना वायरस। सार्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सार्स कोवी कहते हैं, सीओवी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सार्स कोरोना वायरस, इसका नाम होता है सार्स कोरोना वायरस। ओके, बिटवीन द नवंबर 2002 में आया था। कब आया, आइडेंटिफाइड हुआ था ये याद रखना। क्या है तो? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स जो होता है ये वायरल क्या है तो? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिसीज है। क्या है तो? जूनोटिक ओरिजिन है। और याद रखें, ये जो इसका जो इन्फेक्शन हुआ, ये कब हुआ था? बिटवीन नवंबर 2002, कब हुआ था? बिटवीन नवंबर 2002 एंड जुलाई 2003। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो इन्फेक्शन है, ज्यादातर कब बढ़ा था? बिटवीन नवंबर 2002 टू क्या है तो? जुलाई 2003 एंड ओके, कहां हुआ था? आउटब्रेक ऑफ द सार्स इन साउथर्न चाइना। याद रखना, ये सबसे पहले कहां पाया गया था, आइडेंटिफाई गया था, आइडेंटिफाइड हुआ था 2002 और क्या है तो? जुलाई 2003 में। कहां पाया गया था? आउटब्रेक ऑफ द सार्स इन साउथर्न चाइना। ओके, कहां मिला था ये? साउथर्न चाइना जो होता है उसी के अंदर क्या है तो आपको ये मिला था। सो नेक्स्ट, पहला वाला क्या बोला है मैंने, सार्स की बात कर रहा हूं। सेम क्या है तो? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज, दैट इज द जूनोटिक ओरिजिन आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, और इज कॉज्ड बाय द सार्स कोरोना वायरसेस। ओके, और ये कब आया था जो सार्स बोलते हैं, इसका कब आया हो, कि कब आया? नवंबर। ये डेट को बहुत अच्छे से याद रखना, हो सकता है इसकी डेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नवंबर 2002 टू जुलाई 2003 में आया था ये। कब, कहां आया था? सो याद रखना, सार्स इन साउथर्न चाइना में आया था। कहां आया था? साउथर्न चाइना। सो आपको एक बात पता होना चाहिए, सार्स कब आया था? नवंबर 2002 और क्या है तो? जुलाई 2003 में आया था। कहां पे आया था? साउथर्न चाइना। ये बात आपको पता है, मतलब भेजे में क्या करना पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा, तो ही ये क्या है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। सो दूसरा वाला जो दो नंबर का बात किया था मैंने, MERS का मतलब था मियर्स। मियर्स जो आता है वो कौन सा आता है? मियर्स का मतलब क्या होता है? सो हाइलाइटेड, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये जो मियर्स आता है क्या होता है? सो इसका नाम है मियर्स का मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, MERS का मतलब क्या होता है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या बोला है? MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नाम में भगवान, याद रखे, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS कहा जाता है। इट आल्सो नोन एज अ कैमल फ्लू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये जो वायरसेस है जिसको हमने बोला था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको MERS कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में ये किसमें होता था? कैमल में होता था। सो इसको हम क्या नाम देते हैं? कैमल फ्लू नाम से जाना जाता है। कैमल फ्लू नाम से क्या है तो ये जाना जाता है। सो याद रखना, MERS इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैमल फ्लू। क्या बोला है? MERS इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैमल फ्लू। व्हाट इज द MERS? MERS क्या है तो? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज अ कैमल फ्लू, इज अ वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, इसकी वजह से क्या होता है? वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, कॉज्ड बाय द कौन सा? MERS कोरोना वायरसेस। क्या? कॉज्ड बाय द MERS कोरोना वायरस, जिसको MERS COV कहते हैं। क्या? COV का मतलब होता है कोरोना वायरस। ओके, सिम्टम्स मे बी ब्रीथ। ओके, ब्रीथ में क्या है तो आपको प्रॉब्लम आता है, एंड डिसीज इज टिपिकली मोर सीवियर इन दोज विथ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। याद रखना, अगर ये इसका इन्फेक्शन कैमल फ्लू जो है, कैमल फ्लू का इन्फेक्शन अगर ह्यूमन बींग में अगर स्प्रेड हो गया, ओके, अगर क्योंकि इसमें एक बात है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो आता है एक्चुअली ये कहाँ मिलता है तो? ये जो होता है ये मैक्सिमम अमाउंट इसका जो एजेंट आता है कैमल फ्लू आता है। बट अगर हम जब कैमल को हाथ वगैरह लगाते हैं, सो हाथ वगैरह लगाने की वजह से क्या होता है, वो ह्यूमन के अंदर स्प्रेड होता है, और ह्यूमन के अंदर स्प्रेड होने के बाद में सबसे पहले तो इसका माइल्ड क्या है तो? सिम्टम्स है। बट अगर क्या होता है तो, अगर जो डिसीज पर्सन है जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर इनको अगर ये इसका इन्फेक्शन होता है तो देयर आर द डेंजरस। सो ध्यान दे देना, कौन सा? कैमल फ्लू। कैमल फ्लू या इसको हम कहते हैं MERS कहते हैं। याद रखिए, इसकी वजह से होता क्या है? दे इंक्लूड द फीवर, इसकी वजह से ह्यूमन के अंदर फीवर आता है। अगेन क्या हो सकता है? कफ,
हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या शॉर्टनेस ऑफ द क्या है तो ब्रीथ होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर ध्यान दे देना, क्या है इसका सिम्टम्स, क्या होता है, सीवियर होता है या क्या क्या, तो डेंजरस भी होता है। कहाँ पे मैंने बोलता है कि इस फीवर की बात कर रहा हूँ, कफ की बात कर रहा हूँ, डायरिया और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ये सारे आपको प्रॉब्लम क्या होते हैं म्यूअस के अंदर दिखाई देते हैं। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सबसे पहले ये कहाँ पाया गया, तो याद रखना इसका जो हिस्ट्री आता है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले कहाँ पाया गया, तो दैट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन क्या है, तो सऊदी अरबिया इन 2012। बहुत हाईलाइट करने वाला या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो ये बात बता रहा हूं मैं, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम म्यूस, ये इसको इज आल्सो नोन एज कैमल फ्लू। कैमल फ्लू सबसे पहले मतलब सबसे पहले कहां आइडेंटिफाइड हुआ, तो कहां हुआ, सऊदी अरबिया में इन 2012। याद रखना जो डेट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नीट के लिए। सो याद रखना सऊदी अरेबिया में इन 2012 में ये सबसे पहले कैमल फ्लू पाया गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया में कैमल का यूज बहुत ज्यादा होता है। सो याद रखना ये कैमल के थ्रू ही क्या है तो मतलब ह्यूमन बींग के अंदर क्या हो चुका था, स्प्रेड हो चुका था। सो पहला सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कहते हैं, सेकंड वाला मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम म्यूस जिसको हम कहते हैं कैमल फ्लू, ये देखा। और थर्ड वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे मतलब इसके लिए अगर बात करो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसको जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सो याद रखना इसके बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिसको हम आज क्या कॉमनली कहते हैं कोविड 19 से क्या है, इस नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस हो चुका है। कम दिनों में क्या है तो ये जो वायरस है बहुत ज्यादा क्या है तो स्प्रेड हो चुका है। सो नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिसको हम कहते हैं कोविड 19 कहते हैं। कोविड का फुल फॉर्म क्या आता है ये अगर आप बात करते हो तो आपको समझ में आएगा। सो याद रखना कोविड 19 ऐसा क्यों कहा गया है, आपने सुना हुआ है कोरोना वायरस डिजीज 2019 ऐसा बोलते हैं। सो याद रखना कोरोना वायरस CO कोरोना वायरस आता है, कोरोना वायरस COV आ गया कोरोना वायरस कैसा है तो याद रखना कोरोना वायरस इन्फेक्टिव डिसऑर्डर आता है या इस डिजीज 2019 कहते हैं। सो कोरोना वायरस डिजीज 2019 दैट इज COVID-19। बहुत लोगों ने सुना होगा क्या, तो COVID-19 क्या रहता है, COVID-19 की बात कर रहा हूं। तो COVID-19 क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, इस नाम क्या है तो वही आपका शॉर्ट फॉर्म आता है COVID-19। सो क्या वजह है, ये सबसे पहले कहां पाया गया, ये इसका जो इनिशिएशन हुआ कहां हुआ, ये पता है आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है मतलब फैल रहा है। सो वन ऑफ द डेंजरस वायरस में आता है ये, तो कोरोना वायरस जिसे 2019 जिसको हम COVID-19 कह रहे हैं इसके बारे में हम जानकर बात करते हैं अभी। इज एन इन्फेक्टियस डिसीज, याद रखना ये कैसा है तो इन्फेक्टिव डिसीज है, सही बात है, स्प्रेडेबल है, इजीली क्या है तो स्प्रेड होता है। कॉज्ड बाय द सीवियर एक्यूट क्या है तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, याद रखना इसमें क्या बोला है तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कहा जाता है। याद रखना इसने जो बात बोला है बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्या बोला है तो ध्यान दे देना, ये जो इन्फेक्टियस जो डिसीज है कॉज्ड बाय क्या है तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, जिसका नाम से सार्स क्या है तो सार्स कोरोना वायरस 2, याद रखना जो बात बता रहा हूं। मैंने क्या बोला था, पहला वाला आपको बताया कौन सा था, सार्स बताया, उसके बाद में आपको मियाज बताया जिसको हम कैमल फ्लू नाम से जानते हैं, और थर्ड वाला जो आता है कोविड 19 आता है। सो याद रखना इसका दूसरा भी नाम है, क्या बोला है उसने, द इन्फेक्टेड डिसीज कॉज बाय द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको हम कहते हैं सार्स कोवी कोरोना वायरस 2 कहते हैं। दैट डिसीज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2019, हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। अब क्या बोला मैंने, ये सबसे पहले दुनिया में कहां पाया गया, सबसे पहले कहां पे आइडेंटिफाइड हुआ, द डिसीज वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2019 इन कहां पे है तो 2019 में कहां पाया गया, तो याद रखना ये नाम जो आपको ध्यान मतलब ये जो नाम आपको पास आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युहान कहा जाता है, युहान के अंदर चाइना में ये पाया गया, कहां युहान के अंदर क्या है तो युहान जो होता है ये क्या है तो चाइना में आता है, ये बहुत फेमस सिटी है चाइना का। सो इसके अंदर पहली बार कहां पे 2019 में क्या किया गया तो ये पाया गया है, जो कि बहुत डेंजरस है याद रखे, एंड हैज सिंस स्प्रेड ग्लोबली, एंड उसके बाद में क्या है तो ग्लोबली स्लोली क्या है इसने क्या है तो हाथ पैर पसरने शुरुआत के लिए, ठीक है। सो ध्यान देवा, सो हैज सिंस स्प्रेड द ग्लोबली रिजल्टिंग इन टू द इन दी 2019-20 कोरोना वायरसेस, और इसमें क्या हो गया, इसने क्या है तो 19
2019 में शुरुआत की और 2020 में पदार्पण कर दिया इसने और आ गया ये पूरे वर्ल्ड में सबको मिलने के लिए. सो हो गया क्या 2019-20 कोरोना वायरस, दैट इज अ पैंडेमिक होता है ये. ओके इजीली क्या है तो स्प्रेडेबल है. कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडिंग, बताने की जरूरत नहीं, आज घर घर में इसकी कहानी चल रही है राइट ना, तो बताने की जरूरत नहीं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. जो बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसी के तहत मैं बता देता हूँ. याद रखना इसमें क्या है तो फीवर आता है, ओके, साथ में कफ होता है एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ आता है, साथ में मसल्स पेन आता है. स्पूटम, ओके, स्पूटम की अगर बात करते हैं, स्पूटम प्रोडक्शन एंड द सोर थ्रोट आर लेस कॉमन, क्या है तो उसके अंदर मतलब आर लेस कॉमन फंक्शंस है. सो याद रखना ये सारे के सारे क्या है तो उसके सिम्टम्स आते हैं, फीवर आता है, कफ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आता है, मसल पेन और स्पूटम. और याद रखना ज़्यादातर ये जो वायरस है कैसे स्प्रेडेबल है, थ्रू द ड्रॉपलेट्स, ओके, जब हम किसी से बात करते हैं, ओके, बात करते टाइम में क्या होता है, हम जब बात करते हैं तो जो हाँ माउथ से जो क्या है तो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं जो स्प्रेड होते हैं, ओके, उसी के वजह से क्या है तो ज़्यादातर ये स्प्रेड होता है. ओके, और एक बात इसके इसने बोला कि यस स्पूटम वर्ड ऐसा यूज किया है, ओके, इसको कुछ स्पूटम बोलते हैं, कुछ स्पूटम भी बोलते हैं. सो लिविट, सो ये जो होता है ये एक्चुअली कहाँ है तो इसके अगर स्लाइवा और क्या होता है थोड़ा सा म्यूकस होता है, स्लाइवा और म्यूकस से बना हुए ड्रॉपलेट जो होता है इजिली क्या है तो स्प्रेडेबल होता है. और एक बात याद रखना ये क्या है तो आपको ड्रॉपलेट से ही स्प्रेड होता है, साथ साथ में इन्फेक्टिव बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस है. सो इसके बारे में क्या डिटेल में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप डेली न्यूज पेज के ऊपर देख रहे हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द यस क्या है तो इसको कहते हैं हम सिम्टम्स, ये क्या है तो ये सिम्टम्स बोल सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19. ओके, सो दूसरी जो बात आती है इसके अंदर इसका आउटब्रेक जो है ये मतलब कहाँ मतलब कैसे फैल गया आउटब्रेक, यहाँ पे ध्यान दे देना आउटब्रेक की बात कर रहा हूँ, वायरसेस का टाइप और डेथ की बात कर रहा हूँ. हमारे लिए डेथ कोई मायने नहीं करता, हमारे लिए आउटब्रेक कब हुआ चुका है, वायरस कौन से टाइप का है वो मतलब अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी या एनसीईआरटी मतलब अकॉर्डिंग टू द नीट वो क्या पूछ सकता है उसके बारे में मैंने बात किया है. सो याद रखे जो बात बताने जा रहा हूँ आउटब्रेक कब हो गया उसका और कौन सा टाइप का वायरसेस है उसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ. सो ध्यान दे दो कौन सा वायरसेस आता है, जरूर इसका पीडीएफ में क्या है तो लिंक में क्या करूंगा तो शेयर करूंगा. सो ध्यान दे देना 2003 में याद रखना मैंने क्या बोला है तो 2003 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक हुआ जिसको हम सार्स क्या कहते हैं तो 2003 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक हुआ था जिसका नाम था सार्स कोरोना वायरस. क्या नाम था उसका? सार्स कोरोना वायरस. सो डेथ के बारे में लिमिट, ओके. और एक आता आपका 2012 में क्या हुआ था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस आउटब्रेक हो चुका था, ओके. और 2012 की हिस्ट्री है जिसको हम नाम बोलते हैं एमईआरएस कोरोना वायरस. तो मियास आपको कब 2012 सार्स कोवी जो होता है कोरोना वायरस जो होता है 2003. और एक आता है 2015 की बात कर रहा हूँ, 2015 में जो आउटब्रेक हो गया, ओके, जिसका नाम है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक इन साउथ कोरिया, ओके, 2015 की बात कर रहा हूँ. सो इसको हम बोलते हैं मियास कोरोना वायरस कहते हैं. और इसमें क्या है तो 774 क्या था इसका डेथ था अप्रोक्स लिखा हुआ है जो कि आपको मैं इस पर मिलता है विकिपीडिया में जो इसका आता है सो वही डेथ उसका वहाँ पे है. सो मियास कोरोना वायरस जो आता है वो 400 इतना होता है. और एक बात 2015 में जो पाया गया जिसका नाम है मिडल ईस्ट क्या है तो ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या आउटब्रेक हुआ था साउथ कोरिया में 2015 में जिसका नाम है मियास कोरोना वायरस कहा जाता है. इसकी वजह से 36 का लोगों का डेथ हुआ था. 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक हो चुका था जिसको अगेन यहाँ पे याद रखना 2018 में फिर से मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक हो चुका था जिसका नाम था अगेन मियास कोरोना वायरस. इसके वजह से 41 क्या हुआ था डेथ हो चुका था. और लास्ट वन 2019-20 कोरोना वायरस पैंडेमिक आता है जिसको हम कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 आता है, ओके. अभी तक इसके बारे में चल ही रहा है, कोई बता नहीं सकता क्या हो रहा है कहाँ पे हो रहा है. बहुत सबसे ज्यादा यहाँ पे डेथ दिखाई देता अगर आप पहले से अगर यहाँ पे देखते हो और ये कंटिन्यूसली इसका क्या है तो सिलसिला जारी है. सो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था किसके लिए, नीट के लिए. सो नेक्स्ट वन जो पॉइंट हम इसके बारे में देखते हैं, सो इसके पहले याद रखें कि कौन सा वायरस कब हुआ था और क्या हुआ था. 2003 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक हुआ था सार्स कोवी का कोरोना वायरस 774 क्या है उसका डेथ था. 2012 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था मेस कोरोना वायरस कहते आउटब्रेक हुआ था वो सॉरी ओवर डेथ कितना था 400 तक था.
मतलब काफी था क्या? नहीं, ठीक ठाक. ओके, 2015 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक हुआ था साउथ कोरिया में, जिसको मियास कोरोना वायरस कहते हैं, 36 डेथ था. 2018 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक हुआ था मियास सीवी, क्या है तो मियास सीवी 41 था, डेथ था. 2019 और 2000 मतलब 2019 एंड 20 में जो कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया. ओके, पैंडेमिक जो था ये सार्स कोरोना वायरस 2 कहा जाता है इसको. क्या कहा जाता है? सार्स कोरोना वायरस 2. ये जो था इसके डेथ के बारे में बता नहीं सकते क्योंकि अभी इसका सिलसिला जारी है. सो ये थे क्या है तो आपका आउटब्रेक ऑफ द वायरसेस एंड उसका टाइप. ओके, और डेथ. ओके गाइस, लास्ट वन बात करने वाले हम कोरोना वायरस के बारे में, तो वो क्या बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नीट. ओके, सो इसकी ये जो आपका कोरोना वायरस यहाँ पे जो एकदम कलरफुल डायग्राम मिल रहा है, कलरफुल सिलसिला भी इसका जारी है, वैसे कुछ बात नहीं है. सो लास्ट वाला पॉइंट जो आता है इसका कोरोना वायरस का, टीएस सेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस. हमने अभी तक क्या क्या देखा इसके बारे में? सबसे पहला डिस्क फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड कहाँ हुआ, इसके टाइप्स कौन कौन से आते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, ओके कौन सा टाइप कहाँ कहाँ पाया गया था, और लास्ट वन में मैंने क्या देखा था उसका आउटब्रेक कहाँ हुआ था और कितने डेथ हुए थे, और लास्ट वन आपका पॉइंट आता है टीएस ऑफ द कोरोना वायरस. सो कोरोना वायरस जो होता है इसका टीएस सेक्शन अगर हम लेते हैं, अगर उसको कट करते हैं तो उसके इंटरनल में हमें क्या दिखाई देता है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये जो आपको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसके ऊपर दिखाई देता है, ये सारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आपको स्पाइक दिखाई दे रहा है जिसको हम पेल्मोमियोस ऑफ स्पाइक्स है, और मतलब कलरफुल दिखाई दे रहा है और उतना डेंजरस भी है. ओके, ऐसा कुछ नहीं, अगर हम प्रिकॉशन अगर लेते हैं तो इजीली हम इसको भगा सकते हैं. ओके, आजकल जो नारा चल रहा है गो कोरोना, राइट ना, तो गो कोरोना, तो हो सकता है कि वन ऑफ द हम इसको अपना इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम कर रहा है. ओके, बहुत ज़्यादा मतलब बाकी जो कंट्रीज है उनसे, सो हम लोग सारे लोग क्या है तो उसे सपोर्ट करें और क्या है तो कोरोना को क्या है तो हमारे देश से भगा ले. ओके, सो इसका जो जो टीएस सेक्शन आता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो गाइस, अगर मैंने इसको कट कर दिया तो कट करने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसके ऊपर जो आपको स्पाइक दिखाई देता है, तो याद रखना ये जो स्पाइक आते हैं, इस ये जो स्पाइक है जिसको हमने बोला था पेल्मोमियोस बोला था, ये जो स्पाइक होती है ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पाइक ऑफ द कोरोना वायरस क्या है तो सर्फेस ऑफ द कोरोना वायरस कंटेन द स्पाइक एंड दैट स्पाइक ऑल्सो मेड अप बाय द क्या है तो ग्लाइकोप्रोटीन, किसका, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बना हुआ. अगर थोड़ा सा और हम इसके अंदर गहराई में क्या करते हैं, इसके अंदर गहराई में जाते हैं, अगर आपको देखना ही है सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको देखने में कोई दिक्कत है नहीं है तो ठीक है. सो यस, अगर है दिक्कत है तो बोल देना कि मतलब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो. वैसे अपना ऑनलाइन मतलब ये नहीं है, लाइव सेशन नहीं है, बहुत जल्दी आपके लिए लाइव सेशन लेके आएंगे, थोड़ा सा वेट करो इसके लिए. सो ये जो स्पाइक बनाई जा रहा है, ये जो स्पाइक आपको दिया जा रहा है मतलब बताया जा रहा है, तो स्पाइक जो होता है वो किससे बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है. सो स्पाइक इज मेड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन, और उसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर का क्या है तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. गाइज ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बार, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यम प्रोटीन कहते हैं, वो आपको क्वेश्चन आ सकता है. ये जो यम प्रोटीन होता है क्या होता है तो इसके बारे में मायलोमा नाम का प्रोटीन आता है, मायोलोमा. ओके, ये जो प्रोटीन आता है इस प्रोटीन यम प्रोटीन का मतलब होता है मायोलोमा. ओके, ध्यान दे देना, यम वाई येलो एम ए. ओके, मायोलोमा नाम का ये जो प्रोटीन आता है जिसको यम प्रोटीन आता है. सो याद रखना जो ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर जो इसके इंटरनल वॉल पे जो स्टिक हुए दिखाई दे रहे हैं वो जो है यम प्रोटीन से बनते हैं, मायोलोमा प्रोटीन से बनते हैं. और उसके बाद में आपको यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है. ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, हेमाग्लुटिनिन एस्टरेज डाइमर कहते हैं, डाइमर कहते हैं, हेमाग्लुटिनिन एस्टरेज डाइमर कहते हैं. सो एची नाम से इसको क्या है तो ये जाना जाता है. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हेमाग्लुटिनिन एस्टरेज डाइमर कहा जाता है. और इसका जो जो आपको रेडिश कलर में जो सराउंडेड मिल रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम इनोलफ कहते हैं, इनोलव कहते हैं. तो ये क्या हो गया उसका, कोरोना वायरस का इनोलफ हो गया. सबसे ज्यादा फेमस आपको ये क्या है तो इस तरह का जो डिजाइनिंग मिल रहा है इसके अंदर. ओके, काफी आपने वायरस के बारे में बात किया होगा, काफी वायरस का जो डिजाइन आता है बहुत मतलब क्या होता है तो अच्छा दिखता है ये. सो ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है याद रखना ये जो होता है आरएनए एंड एन प्रोटीन से बनता है. याद रखना किससे बनता है तो आरएनए एंड एन प्रोटीन से बनता है. और लास्ट वन आपको जो येलो कलर का यहाँ पे जो स्पॉट मिला दिखाई दे रहे हैं. ओके, लाइक दिस, ये जो स्पॉट होते हैं ये ई प्रोटीन से बनते हैं. ई प्रोटीन
और ये आपको जो बड़ा सा जो स्ट्रक्चर मिल रहा है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है आरएनए प्लस एन प्रोटीन, और ये जो रेड वाला मिलता है तो उसको हम इनोलफ कहते हैं, और इसके अंदर आपको जो स्काई वाला जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसको हम कहते हैं हेमोग्लोटिनिन एस्टरेज डाइमर कहते हैं, और लास्ट वन ये जो ग्रीन वाला है एम प्रोटीन कहते हैं मायलोमा प्रोटीन कहते हैं, और जो स्पाइक मिलते हैं आपके इसके ऊपर जो स्पाइक होता है तो स्पाइक किसके होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, किससे बनता है स्पाइक जो बनता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। तो यह था आपका क्या हिस्ट्री अबाउट द या फर्स्ट टाइम मतलब हिस्ट्री अबाउट द कोरोना वायरस। सो गाइस ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि इसके ऊपर क्या है तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके सो ध्यान दे देना कि गाइस यहाँ पे कोई भी आपको इशू नहीं होना चाहिए, कोरोना वायरस वन ऑफ द मतलब डेंजरस भी है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड हुआ स्प्रेड होते जा रहा है। सो गाइज सारे लोग जो मैंने अभी जितना भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी बताया है ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताया मैंने, डिस्कवरी बताया इसका सबसे पहले, आइडेंटिफाइड कहाँ हुआ है, उसके टाइप्स बताए, टाइप्स के बाद में उसका मैंने आउटब्रेकिंग बताया, इसका नाम क्या होता है, नाम किसके बेसिस पे आया ये बताया, साथ में आउटब्रेकिंग हाँ आउटब्रेक कहाँ पे हुआ कब हुआ ये सारी डिटेल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। लास्ट में मैंने क्या बात किया था जो टीएस सेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस जो है टीएस सेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस क्या आता है, सो टीएस सेक्शन भी क्या है मैंने कोरोना वायरस का टीएस सेक्शन भी क्या है तो आपको दिखा दिया, मतलब टीएस सेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस क्या होता है ये सारी चीजें जो होता है मैंने जिसके मतलब जो भी टॉपिक के ऊपर बात किया है गाइस याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन में भी नीट 2020 में आ सकता है। सो ऐसा मुझे लगता है, सो ध्यान दे देना, इसलिए मैंने ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपके मतलब आपके तक पहुंचाया। सो दैट इज अबाउट द होल जो सेशन जाता है कोरोना वायरस के ऊपर जाता है। और गाइज दूसरी बात ये आता है कि अभी तो आप मतलब ऑलमोस्ट क्लासरूम बंद है, सो गाइज खुद का प्रिकॉशन ले, ओके आपको पता ही है प्रिकॉशन इज ग्रेटर देन द क्योर, सो जितना प्रिकॉशन ले लेंगे उतना आपके लिए क्या होगा तो बेहतर होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइज एक बात याद रखना, पता है क्या एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मतलब ऐसा सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे भाई, ओके सो याद रखना जितना सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ेगा याद रखे कि हमें उतना ही क्या है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली देखते रहे यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी चैनल्स आपके लिए, जो कि सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्या है तो सेशन लेके मतलब लेके आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है चलो।